नमस्कार, समापा यानी सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। अकादमी के संस्थापक हैं सुविख्यात संतूर वादक, कंपोजर और पद्मश्री से अलंकृत पंडित भजन सोपोरी। समापा का मोटो है जन जन तक संगीत यानी म्यूजिक टू द मासेस। आज के हालात को देखते हुए समापा ने अपनी पहली ऑनलाइन सीरीज की शुरुआत की है, समापा डिजिटल बैठक, जिसका मुख्य उद्देश्य है कलाकारों और दुनिया भर के ऑडियंसेस के बीच एक कल्चरल ब्रिज, एक सांस्कृतिक सेतु का कार्य करना। आज के कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं पंडित सदानंद हेमपल्ली का तबला वादन, जो कि हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। आपकी गणना देश के उत्कृष्ट तबला और पखावज वादकों में की जाती है। तबला और पखावज में आपके गुरु रहे हैं फरुखाबाद घराने के सुविख्यात कलाकार पंडित तारानाथ। A top grade artist of All India Radio, Pandit Sadanand Nayampally has performed at prestigious concerts both in the country and abroad. Besides being an ace soloist, he has accompanied most of the top vocalists and instrumentalists of the country. He has also created new compositions and tals. आपने अनेक कार्यशालाओं का संचालन किया है और एक गुरु के रूप में भी आपने ख्याति अर्जित की है। आपने तबले पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं जिन्हें काफी लोकप्रियता मिली है। आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख हैं ताल मारतंड, स्वर साधना रत्न और ITCSRA का रिसर्च अवार्ड। बिफोर हिज रिसाइटल आई वुड लाइक टू इनवाइट टुडेज गेस्ट एक्सपर्ट द एमिनेंट म्यूजिकोलॉजिस्ट, म्यूजिक क्रिटिक, राइटर एंड तबला गुरु पंडित विजय शंकर मिश्र टू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस बाय टुडेज आर्टिस्ट। नमस्कार, मैं विजय शंकर मिश्र आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूँ। मित्रों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं समापा डिजिटल बैठक में विश्व विख्यात तबला वादक पंडित सदानंद नायमपल्ली जी का प्रभावशाली तबला वादन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पंडित सदानंद नायमपल्ली फर्रुखाबाद घराने के विख्यात तबला वादक हैं, लेकिन उन्हें पखावज का भी बहुत अच्छा ज्ञान है और संगीत के शास्त्र पक्ष पर भी वे अपना बहुत अच्छा अधिकार रखते हैं। उनकी लिखी किताब और उनके आलेख आज भी संगीतार्थियों के मार्गदर्शन कर रहे हैं। नायमपल्ली जी पेशे से इंजीनियर हैं और उनकी वह इंजीनियरिंग उनके तबला वादन में भी दिखती है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और गर्व है और यह बताने का लोभ मैं आज रोक नहीं पा रहा हूँ कि हम दोनों कई बार विशेषज्ञ के रूप में कई समितियों में एक साथ रहे हैं। कई कलाकारों के PhD का वाइवा हम दोनों ने एक साथ लिया है और सदानंद जी से बातचीत करते हुए कई बार मैंने अपना ज्ञान अर्जन भी किया है। बहुत ही सुलझे हुए कलाकार हैं और आज वे सवारी ताल प्रस्तुत करने जा रहे हैं, पंचम सवारी। दोस्तों, हम दैनिक जीवन में भी कई तरह की सवारियों का प्रयोग करते हैं। हवाई जहाज की सवारी, रेल की सवारी, कार की सवारी, मोटरसाइकिल की सवारी और साइकिल की सवारी। उसी तरह सवारी ताल के भी कई प्रकार हमें सुनने को मिलते थे प्राचीन काल में। कैद सवारी, कुर्क सवारी, तृतीय सवारी, चतुर्थ सवारी, पंचम सवारी, षष्ठम सवारी, सप्तम सवारी, चंपक सवारी, शेर की सवारी, बड़ी सवारी, जनानी सवारी, मर्दानी सवारी, सीता सवारी, छोटी सवारी, बसारी सवारी और मंजरी सवारी। लेकिन आज सवारी के नाम पर सिर्फ पंचम सवारी ही ज़्यादा लोकप्रिय है और उसी का गायन वादन होता है। जिस तरह सवारी ताल के कई रूप प्रचलित हैं, उसी तरह पंचम सवारी के कई ठेके भी अलग अलग घरानों में अलग अलग शैलियों में प्रचलित हैं। लेकिन आज सदानंद जी ने जिस ठेके को लिया है वह इस तरह है,
धी ना धी धी क धी धी ना धी धी ती कृती ना केड़न कथी ना कत्ता त्रक धी ना धी ना। पखावज का अच्छा ज्ञान है नाइमपल्ली जी को, और फरुखाबाद घराने की स्थापना ही हुई थी खुले और बंद बाज के सम्मिश्रण से, तो आज उनके वादन में दोनों का समावेश आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम सुनते हैं विश्व विख्यात तबला वादक पंडित सदानंद नाइमपल्ली जी से ताल पंचम सवारी, और मैं उनके प्रति विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि अपनी उपस्थिति से उन्होंने सामाप डिजिटल बैठक के कार्यक्रम को एक नई गरिमा प्रदान की है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विजय शंकर मिश्र। नमस्कार, मैं आज आपके सामने ताल पंचम सवारी पेश करने जा रहा हूं। ये 15 मात्रे का ताल है और इसके खंड इस प्रकार है। धिन ना धिन ना तक धिन धिन ना धिन धिन ना ते कृतिन ना केडन ना प्रतुन ना पत्ता त्रक धिन ना धिन धिन ना धिन। ताल पंचम सवारी, इसमें मैं पेशकार कायदे रेला फिर गते मोहरे टुकड़े चक्रधार और परण पेश करूंगा।
अजराने में। Thank you.
बाकायदा है। Thank you.
छह आपका एक बोल है
पंचाई चक्रधार है। पंचाई यानी पांच बार बजने वाला, और हर बार इसमें पांच पांच धा बजते हैं, यानी टोटल 25 धा का है। और ये फरमाइशी है, यानी पहले बार बजेगा तो पहला धा सम पर आएगा, दूसरे बार दूसरा, तीसरे बार तीसरा, चौथे बार चौथा, और पांचवें बार पांचवा। Thank you.